पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के अखाड़े में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के चुनावी अभियान की कमान संभाल ली है। ममता बनर्जी आज कूचबिहार से चुनावी अभियान का आगाज करेंगी, जिस पर बीजेपी चुभने वाले तंज कस रही है। दावा है कि ममता बनर्जी पिछले 12 साल में पहली बार पंचायत चुनाव में रैली करने जा रही हैं, जिसका सीधा मतलब है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी मजबूत हुई है। ऐसे में ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है। ममता बनर्जी जैसे लीडर को पंचायत इलेक्शन के लिए जमीन पे उतरना पड़ रहा है, ये दिखा रहा है कि भाजपा कितना स्ट्रांग हुआ है। इधर बीजेपी ने भी पंचायत चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में सभा को संबोधित किया। कुल मिलाकर कहें तो पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आर पार का संग्राम शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत की 73,887 सीट है, इनमें से 7,013 सीट पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं।